सो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम लोग अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखते हैं आज हम कहाँ तक बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन है जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है। डिग्री यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 है, तो सीधी सी बात है ये लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका जीरो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे, मतलब इसको इक्वेट कर देंगे इस गिवन एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो हुआ, तो हमारी वैल्यू एक्स की क्या आ जा रही है, माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। या तो आप गिवन एक्सप्रेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ एक एग्जांपल हमने क्वेश्चन के फॉर्म में लिया हुआ 2x plus 3, तो ये 2x plus 3 का अगर हमें जीरो निकालना था, हम सीधे माइनस बी अपॉन ए कर देंगे, यानी यहां पे a जो है वो 2 है और b क्या है 3 है, तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3 अपॉन 2। तो ये हमारा जीरो मिल जा रहा है डायरेक्टली, इसमें आंसर इसमें फॉर्मूले में डालकर ये आंसर आ जा रहा है, जीरो मिल जा रहा है, ठीक है। या आप इसको डायरेक्ट इक्वेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2x plus 3 equal to 0, 2x equals to minus 3, so x equals to minus 3 upon 2। ये दोनों केसेस में आपको सेम वैल्यू मिल रही है।